नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। हैदराबाद यौन दुष्कर्म और हत्या मामले के चारों आरोपी पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने कहा, आरोपियों के हमला करने के बाद आत्मरक्षा में पुलिस ने चलाई गोलियां। आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद, दो पुलिसकर्मी भी घायल। निर्भया केस के दोषी की दया याचिका गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति के पास भेजी। याचिका ठुकराने की अनुशंसा। महिला सुरक्षा के मद्देनजर देश के सभी थानों में बनेगी महिला हेल्प डेस्क। निर्भया फंड से 100 करोड़ रुपए आवंटित। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से 7.5 करोड़ किसानों को हुआ फायदा। पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों ने किया योजना पर अमल। राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दी जानकारी। कीमतों पर लगाम के लिए एमएमटीसी कर रही प्याज का आयात। सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने की सरकारी अधिकारियों पर अहम जिम्मेदारी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हैदराबाद में सिविल सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को किया संबोधित। महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर भी उपराष्ट्रपति ने जताई चिंता। और झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल। 7 जिलों की 20 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 47 लाख से अधिक मतदाता 260 उम्मीदवारों के भाग्य का करेंगे फैसला। मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत कई प्रमुख उम्मीदवार मैदान में। हैदराबाद में दिशा गैंग रेप और मर्डर केस के आरोपियों के एनकाउंटर के मामले पर तेलंगाना पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी सज्जनार ने मीडिया को बताया कि पुलिस दिशा केस के सबूत जुटाने के लिए चारों आरोपियों को NH44 स्थित क्राइम सीन पर ले गई थी। सुबह 5:45 पर पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। इस दौरान मोहम्मद आरिफ और चिंता कुटा ने पुलिस से हथियार छीना। उन्होंने कहा कि एक आरोपी ने पुलिस से बंदूक छीनकर फायरिंग कर दी और यही नहीं, बाकी आरोपियों ने पत्थर और लकड़ी से पुलिस पर हमला भी किया। पुलिस ने आरोपियों से सरेंडर करने को कहा, लेकिन आरोपियों ने ऐसा नहीं करके पुलिस पर गोली चलाई, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें चारों आरोपियों को ढेर कर दिया गया। एनकाउंटर के दौरान SI और कांस्टेबल के सिर पर चोट लगी है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने कहा कि आरोपियों का DNA टेस्ट भी किया गया है। ये सभी लोग कर्नाटक तेलंगाना में कई मामलों में आरोपी थे। पुलिस ने लोगों से किसी तरह की अफवाहों से बचने को कहा है। On second, we petitioned the judicial magistrate to give us the police custody. So, getting the orders of the police custody, we got all the four accused from Cherlapalli jail on 4th, and 4th and 5th we interrogated and examined these all these accused. Basing on their confession, we came here to this place to recover the victim's cell phone and other objects. So as the party approached this area today early hours, all the four accused got together. They started attacking the police party with stones, sticks and other materials. And also they snatched away weapons from our two officers and started firing. So even though our officers maintained restraint and asked them to surrender, but without listening to us, they continued to fire and continued to attack us. So again our people started in retaliation. In that retaliation, the four accused got killed. And when we examined after the lull, we could find that all these bodies were with bullet injuries. So in this firing also, two of our police officers also got injured, head injury and other grievous injuries.
27 नवंबर की रात महिला वेटनरी डॉक्टर की स्कूटी पंक्चर हो गई थी। जब वो स्कूटी पार्क कर रही थी तभी चारों दरिंदों ने हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया था। चारों आरोपियों ने डॉक्टर के साथ दरिंदगी की और गला दबाकर हत्या कर दी थी। इसके बाद दुष्कर्म पीड़िता के शव को पेट्रोल डालकर जला दिया गया था। 28 नवंबर की सुबह पुलिस को लाश मिली थी, जिसके बाद तेलंगाना पुलिस ने चारों आरोपियों शिवा, नवीन, केशवलू और मोहम्मद आरिफ को गिरफ्तार किया था। सभी आरोपी 10 दिनों की पुलिस रिमांड पर थे। मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन भी किया गया था। इस जघन्य घटना के बाद देश भर में गुस्सा देखने को मिल रहा था। सड़क से संसद तक घटना पर रोष व्यक्त किया जा रहा था। वहीं निर्भया मामले में दोषी विनय शर्मा की दया याचिका की फाइल को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास भेज दिया है। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से विनय की दया याचिका को खारिज करने की सिफारिश की है। इससे पहले दिल्ली सरकार के गृह मंत्रालय ने विनय शर्मा की दया याचिका को खारिज करने की सिफारिश उपराज्यपाल अनिल बैजल से की थी। उपराज्यपाल ने भी विनय की दया याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास भेजा गया था। अब राष्ट्रपति को इस मामले में आखिरी फैसला लेना है। वही सरकार ने महिला सुरक्षा के मद्देनजर देश के सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाने की घोषणा की है। साथ ही निर्भया फंड से 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। निर्भया से 16 दिसंबर 2012 को सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। बुरी तरह से जख्मी युवती की बाद में मौत हो गई थी। बलात्कार की इस बर्बर घटना के बाद देश भर में आक्रोश फैल गया था और हर जगह विरोध प्रदर्शन हुए थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषियों के लिए दया याचिका का प्रावधान नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संसद को इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए। राष्ट्रपति ने आज राजस्थान के माउंट आबू में ब्रह्म कुमारी मुख्यालय में सामाजिक कायाकल्प के लिए महिला सशक्तिकरण विषय पर आयोजित राष्ट्रपति सम्मेलन के शुभारंभ के अवसर पर ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि महिला सुरक्षा गंभीर मुद्दा है और इस दिशा में बहुत काम किया गया है, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ये हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को महिलाओं का आदर करना सिखाए। महिला सशक्तिकरण के जरिए ही सामाजिक कायाकल्प संभव हो सकता है। इस प्रकार के जो कन्विक्ट्स होते हैं उनको एक संविधान में मर्सी पिटीशन का अधिकार दिया गया है और मैंने कहा है कि इस पर आप पुनर्विचार करिए। यदि मर्सी पिटीशन के अधिकार को यदि ऐसे केसेस में जो पॉक्सो एक्ट के तहत जो घटनाएं होती हैं उनको मर्सी पिटीशन के अधिकार से वंचित कर दिया जाए, उन्हें इस प्रकार के किसी भी अधिकार की जरूरत नहीं है। अब ये सब हमारी संसद पर निर्भर करता है क्योंकि उसमें एक संविधान होना, संविधान संशोधन होना, लेकिन उस दिशा में हम सबकी सोच एक आगे बढ़ रही है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान आज कृषि, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अलावा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से जुड़े सवालों के जवाब दिए गए। सरकार ने जानकारी दी कि देश में पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत बौद्धिक संपदा अधिकार यानी IPR कार्यालय स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, जो अमेरिकी मॉडल के समान है जहां सब कुछ ऑनलाइन होता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने बताया कि भारत के सांस्कृतिक ज्ञान के संरक्षण के लिए 360,000 फॉर्मुलेशन दुनिया भर के 13 पेटेंट ऑफिसों में दर्ज हैं। The 3.6 lakh formulations, which were a part of our traditional knowledge, have now been made available to 13 patent offices all over the world, due to which we were able to save about 236 cases, which would otherwise have got patented somewhere else. They were able to deny that patent in different geographies because of this effort to make the world aware that India has a lot of traditional knowledge. Similarly, on traditional cultural expressions, we have had a study conducted by RIS as an initial, let's say, knowledge betting study
just to get a feel of what traditional knowledge and what traditional cultural expressions roadmap should be. Mm-hmm. Now we are in the process of working out a much more detailed analysis and to prepare a roadmap going forward. We have brought a lot of sanity in the working of the 8 areas of IPR, whether it's copyright, trademark, patents. All of these are now synergized into one office. We are in the process of computerizing every process so that people don't have to go to any IPR office whatsoever. In fact, in the whole of the United States, there's only one IPR office. And everybody works online through video conferencing. I'm trying to develop that module. With smartphones proliferating all over India, we would like that the rural artisans and craftsmen also can engage directly online. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े सवाल पर राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्य इस योजना पर अमल कर रहे हैं और राज्य जैसे जैसे किसानों का आंकड़ा भेज रहे हैं केंद्र की ओर से राशि जारी की जा रही है। अभी तक 7.5 करोड़ किसानों को पीएम किसान योजना का फायदा मिला है। जो पीएम किसान का विषय अभी माननीय सदस्य पूछ रहे थे, मैं आपके माध्यम से यह सदन को बताना चाहता हूँ। इस योजना का क्रियान्वयन पश्चिम बंगाल को छोड़कर पूरे देश में ठीक प्रकार से हो रहा है। जहाँ तक मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब है, ये तीनों राज्य भी इस पर ज्वाइन कर गए हैं और उनके किसानों का आंकड़ा आना शुरू हो गया है। अभी 7.5 करोड़ किसानों को ये राशि भुगतान की जा चुकी है और 5 करोड़ किसान ऐसे हैं जो लगभग आधार से लिंक हो गए हैं। हम इस महीने में उनकी राशि को डिस्पर्स करेंगे। राज्यसभा में देश में प्याज की बढ़ती कीमतों के सवाल पर उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री दानवे राव साहेब दादा राव ने बताया कि मानसून के चलते प्याज की फसल खराब हुई है और राज्य की संचालित ट्रेडिंग कंपनी MMTC प्याज का आयात कर रही है और इसके 20 जनवरी तक आने की उम्मीद है और सरकार बफर स्टॉक के जरिए प्याज की कमी पूरी करने की कोशिश में जुटी है। प्याज की कीमत बढ़ रही है, इसमें कोई ये नहीं है, बढ़ रही है। इसका एक कारण, प्रमुख कारण ये है कि इस बार लेट बारिश हुई और ज़्यादा दिन तक बारिश चलने के कारण प्याज क्षतिग्रस्त हुआ। ज़्यादातर प्याज महाराष्ट्र में नासिक डिस्ट्रिक्ट में होता है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट के पास स्टॉक भी था, बफर स्टॉक भी था, उसके जरिए भी दिया गया, लेकिन क्षतिग्रस्त होने के कारण प्याज में कमी आई। तो सरकार ने MMTC के तरफ से बाहर देश से कांदा अभी बुलाया है और 20 जनवरी तक कांदा यहाँ है। थैंक यू। कर्नाटक से निर्वाचित KC राममूर्ति ने आज राज्यसभा के सदस्यता की शपथ ली। KC राममूर्ति ने पिछले महीने कांग्रेस सदस्य के तौर पर सदन से इस्तीफा दिया था और वो कांग्रेस छोड़कर BJP में शामिल हो गए थे। KC राममूर्ति को BJP ने दोबारा कर्नाटक से ही प्रत्याशी बनाया और वो निर्विरोध निर्वाचित हुए। ಚುನಾಯಿತನಾದವನಾಗಿ ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಶ್ರೀ KC ರಾಮಮೂರ್ತಿ KC ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನವನಾದ ನಾನು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಚುನಾಯಿತನಾದವನಾಗಿ ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸತ್ಯಾಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು, ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ನಾನು ಈಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ದೇವರೇಸನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆಜ್ ದಿಲ್ಲಿ ಮೇ ಮೀಡಿಯಾ ಸಮಿಟ್ ಕೋ ಸಂಬೋಧಿತ್ ಕಿಯಾ. ಇಸ್ ಮೌಕೆ ಪರ್ ಉನ್ಹೊನೆ $5 trillion ಎಕಾನಮಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ, ಜಲ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸುಧಾರ್, ನಾಗರಿಕತಾ ಸಂಶೋಧನ ವಿಧೇಯಕ ಸಮೇತ ಕೈ ಮುದ್ದೋ ಪರ್ ಬಾತ್ ಕಿ. ನಾಗರಿಕತಾ ಸಂಶೋಧನ ವಿಧೇಯಕ ಪರ್ ಬೋಲ್ತೆ ಹುವೆ ಉನ್ಹೊನೆ ಕಹಾ ಕಿ ಪಡೋಸಿ ದೇಶೋ ಮೇ ಉತ್ಪೀಡನ್ ಕೆ ಶಿಕಾರ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಕ ಲೋಗೋ ಕೋ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕತಾ ದೇನೆ ಸೇ ಉನ್ಕಾ ಬೆಹತರ್ ಕಲ್ ಸುನಿಶ್ಚಿತ ಹೋಗಾ. ವಹೀ ಜಮ್ಮೂ ಕಶ್ಮೀರ್ ಸೇ ಅನುಚ್ಛೇದ 370 ಹಟಾನೆ ಕೆ ಫೈಸಲೆ ಪರ್ ಉನ್ಹೊನೆ ಕಹಾ ಕಿ ಇಸ್ಮೇ ಜಮ್ಮೂ ಕಶ್ಮೀರ್ ಔರ್ ಲದ್ದಾಖ್ ಕೆ ವಿಕಾಸ್ ಕಿ ನಯಿ ಉಮೀದ್ ಜಗಿ ಹೈ.
हमारी सरकार वर्तमान की चुनौतियों पर, समस्याओं पर काम कर रही है और ये चुनौतियां आज पैदा हुई ऐसा नहीं है, ये दशकों से चली आ रही है। साथियों, आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला राजनीतिक तौर पर मुश्किल भले लगता हो, लेकिन इसने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के विकास की और उनके भीतर एक नई उम्मीद जगाई है। मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के दंश से मुक्ति मिलने से देश के लाखों परिवारों को बेटर फ्यूचर का एहसास मिला है। पड़ोसी देशों से आए सैकड़ों परिवार जिनके साथ उन देशों में अत्याचार हुआ, जिनकी मां भारती में आस्था थी, जब उनकी नागरिकता का रास्ता खुलेगा तो इससे भी उनका बेटर फ्यूचर ही सुनिश्चित होगा। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में शनिवार को 20 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में कोल्हान प्रमंडल की 13 सीटों और दक्षिणी छोटा नागपुर की 7 सीटों पर चुनाव है। बदले हुए सियासी समीकरण के बीच दूसरे चरण का चुनाव काफी दिलचस्प बन गया है। झारखंड के दूसरे चरण में 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। 2014 में इसमें से 8-8 सीटों पर बीजेपी और जेएमएम ने कब्जा जमाया था, जबकि 2 सीटें आजसू और 2 सीटें अन्य के खाते में गई थीं। दूसरे चरण की 20 विधानसभा सीटों पर 260 प्रत्याशी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी और झारखंड विकास मोर्चा ने सभी 20 सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। वहीं विपक्षी दल जेएमएम ने 14 और कांग्रेस ने 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। इसके अलावा बीएसपी के 14, सीपीआई और सीपीएम के 3, एनसीपी का 1, तृणमूल कांग्रेस के 6 और 91 निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। इस बार के चुनाव में कई मौजूदा विधायकों का टिकट काटा गया है, ऐसे में ये विधायक दल बदलकर दूसरे दल से चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी ने मौजूदा 8 विधायकों में से 4 विधायकों का टिकट काटा है और नए चेहरों को मैदान में उतारा है, ऐसे में सियासी समीकरण बदल गए हैं। इस दौर में मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत कई दिग्गज नेताओं के राजनीतिक भाग्य का फैसला मतदाता करेंगे। इस चरण में सबसे दिलचस्प मुकाबला जमशेदपुर पूर्वी सीट पर देखने को मिल रहा है, जहाँ से मुख्यमंत्री रघुवर दास मैदान में है। वहीं उनके खिलाफ उनके ही कैबिनेट के मंत्री रहे सरयू राय निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में हैं। इस सीट से मैनेजमेंट प्रोफेसर गौरव वल्लभ की कांग्रेस के टिकट पर मौजूदगी से मुकाबला रोचक हो गया है। इसके अलावा दूसरे चरण के चुनाव में 1.5 दर्जन से अधिक दिग्गज चुनाव मैदान में हैं। इसी चरण में झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ, स्पीकर दिनेश उरांव, मंत्री रहे नीलकंठ मुंडा और विधायक मेनका सरदार की राजनीतिक साख दांव पर है। लक्ष्मण गिलुआ चक्रधरपुर से मैदान में हैं। वहीं मंत्री रामचंद्र सहिस एक बार फिर से आजसू के टिकट पर जुगसलाई से चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड के दूसरे चरण के चुनाव में कुल 48,25,038 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इसमें 25,31,511 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 23,93,437 महिला मतदाता हैं। इस चरण में 3 विधानसभा क्षेत्रों में बूथ ऐप की सुविधा लागू होगी। इनमें जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी और चाईबासा शामिल हैं। इस ऐप के माध्यम से वोटर देख सकेंगे कि मतदाता केंद्र पर कितनी लंबी लाइन है। मतदाता टोकन नंबर के हिसाब से अपना क्रम आने पर सुविधापूर्ण तरीके से मतदान कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विदेश मंत्रालय ने सूडान के सिरेमिक कंपनी में 3 दिसंबर को हुए विस्फोट में मारे गए भारतीयों की संख्या 6 बताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने शुक्रवार को संवाददाताओं के एक सवाल के जवाब में बताया कि मारे गए लोगों में सिर्फ 6 लोगों की ही
शिनाख्त हो पाई है जो भारत के हैं। हालांकि अभी भी सूडान की उस सिरामिक कंपनी में विस्फोट में 23 लोगों के मारे जाने का अंदेशा है और करीब 130 लोग घायल हुए हैं। इनमें 11 भारतीय लापता हैं और 8 अस्पताल में हैं। उस फैक्ट्री में कुल 58 भारतीय काम करते थे। विदेश मंत्रालय भारत वापस आने के इच्छुक लोगों को लाने की व्यवस्था कर रही है। हमें यह भी पता है कि 33 इंडियंस वो सेफ हैं, 8 जो हैं वो हॉस्पिटल में हैं और 11 लोगों की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। तो हम ऐसा कहें 11 लोग या तो मिसिंग हैं या अनआइडेंटिफाइड हैं। जो 6 लोगों की जानी गई हैं उसके परिवार वालों से हमने संबंध स्थापित किया है, हमने उनको बताया है और जो हमारी एम्बेसी है वहाँ पर वो काफ़ी क्लोजली काम कर रही है लोकल गवर्नमेंट के साथ। हमारे एम्बेसडर खुद हॉस्पिटल में जाके विजिट कर रहे हैं, जो इंजर्ड हैं उसकी देखभाल कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जैसे जिन लोगों की जान गई है और उनकी जो बॉडी है उसको कैसे जितनी जल्दी हो सके, जितनी स्मूथली हो सके, हम उसको रिपेट्रिएट भारत कर सके। वहीं नाइजीरिया के पास समुद्र से 18 भारतीय लोगों को दस्युओं ने अगवा कर लिया था। इस मामले में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि नाइजीरिया के पास समुद्री दस्युओं के कब्जे से भारतीय लोगों को मुक्त कराने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्हें छुड़ाने के लिए विदेश मंत्रालय नाइजीरिया सरकार के संपर्क में है, साथ ही वहां स्थित भारतीय दूतावास भी इस मामले में सभी संबंधित पक्षों से संपर्क कर रही है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि ये सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि सरकार की योजनाओं का जमीनी स्तर पर किस तरह से इसे लागू किया जाए ये देखें। हैदराबाद में अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सिविल सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने सिविल सेवकों से ऐसा समाज बनाने का प्रयास करने को कहा जिसमें सभी नागरिकों को समान अवसर और गरीब तबके तक विकास पहुँचे। Protecting democracy is possible by effective delivery, by effective outreach, by effective communication, by effective redressal of the grievance of the people. They will have more confidence and respect for democracy. Secondly, economy is very important because the economy makes your country prosperous and your life also becomes more protective and more happiness. What is required is not mere prosperity. What is required more is happiness. Giving happiness to the people through hassle-free services, systems, is the need of the hour. We made good progress. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अधिकारियों से नागरिक केंद्रित व्यापार के अनुकूल और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने में सहयोग देने की सलाह दी। उन्होंने सामाजिक बुराइयों से निपटने के लिए भी प्रशिक्षु अधिकारियों से कदम उठाने की बात कही। उपराष्ट्रपति ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर भी चिंता जताई। Bringing transparency everywhere and also bringing accountability. These are the things that are to be given utmost importance. I am of the firm belief that bureaucracy needs to be more outcome-oriented to transform India into a developed nation. We need to work with guiding principles of minimum government and maximum governance, with a singular focus on improving the quality of life of the people in general and weaker sections in particular. I call upon the young officers to learn from the best practices within and outside India and from both private as well as public sector and strive to reform the procedures, systems and organization structure whenever required by producing outstanding results. और बात पर्यावरण और जलवायु से, जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई।
दुनिया के अमीर देश हों या गरीब, जलवायु परिवर्तन से आने वाली आपदा से कोई नहीं बचा है। जापान, फिलीपींस, जर्मनी उन शीर्ष देशों में रह रहे हैं जहां पिछले साल प्रतिकूल मौसम से सबसे अधिक नुकसान हुआ। मेडागास्कर और भारत नुकसान के मामले में इन देशों से ठीक पीछे है। पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने भी 2018 में लू के थपेड़ों और 100 साल की सबसे भीषण बाढ़ को और दो तूफान का सामना किया है। इससे कुल $38 अरब का नुकसान हुआ है। जापान ने पिछले साल बारिश के बाद बाढ़, दो बार गर्मी और गत 25 साल में सबसे विनाशकारी तूफान का सामना किया। इसकी वजह से पूरे देश में सैकड़ों लोगों की मौत हुई, हजारों लोग बेघर हुए और करीब $35 अरब का नुकसान हुआ। जर्मनी को भी बीते वर्ष दीर्घकालिक गर्मी की तपिश और सूखे का सामना करना पड़ा और औसत तापमान करीब 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। इसकी वजह से 4 महीनों में 1,250 लोगों की असामयिक मौत हुई और $5 अरब का नुकसान हुआ। स्वच्छ गंगा अभियान के तहत बीते 5 सालों में गंगा नदी की सफाई से गुणात्मक सुधार आया है। ये बातें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित वाटर इम्पैक्ट समिट में कही। उन्होंने कहा कि गंगा की अविरल और निर्मलता को बनाए रखने के लिए नमामि गंगा परियोजना के तहत अब तक 300 से ज्यादा प्रोजेक्ट मंजूर किए गए हैं। साफ सुथरी और अविरल गंगा एनडीए सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने शुक्रवार को कहा कि गंगा की सफाई के लिए मंजूर किए गए प्रोजेक्ट में 100 से ज्यादा पूरे हो चुके हैं और इसके सकारात्मक परिणाम दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2022 तक गंगा की अविरलता और निर्मलता में बड़े सुधार दिखेंगे। मैं आज प्रसन्नता के साथ में कह सकता हूं कि हमारी गंगा नदी पिछले 5 वर्षों में जो काम हमने किया है, जो 305 से ज़्यादा प्रोजेक्ट लिए और उसमें से 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट जो पूरे कर दिए, उनका परिणाम है कि आज गंगा इस लंबाई की, इस अनुग्रह वॉल्यूम की नदियों में से मैं पहली 10 साफ नदियों में से एक है। और जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के पैरामीटर पर अगर देखें तो गंगा ओरिजिन से लेकर के और कन्वर्जन के बीच में शायद कुछ ही जगह ऐसी आती होंगी जहाँ अब उन पैरामीटर से बाहर है, बाकी सब जगह स्वच्छ पानी बनाए। वाटर इम्पैक्ट समिट में मौजूद रहे जल संसाधन सचिव यूपी सिंह के मुताबिक सरकार नदियों में पानी की मात्रा को बरकरार रखने की कोशिश कर रही है। गंगा या जिससे भी नदियां हैं, उन नदियों में पानी का प्रवाह कैसे सही रहे, क्योंकि हम पानी का इतना ज़्यादा एक्सट्रैक्शन करते हैं, दोहन करते हैं, चाहे वो ग्राउंड वाटर हो, सरफेस वाटर हो, कि नदियों में पानी का प्रवाह जो है वो कम हो गया है। तो ये जो वाटर अवेलेबिलिटी रिवर्स में जो है, पानी की उपलब्धता नदियों में, वो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम अभी केवल निर्मलता की बात ना करके हम अविरलता पे भी जोर दे रहे हैं। पहले हमारा ज़्यादा जोर था कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बने चले, उसमें हमने काफ़ी हद तक सफलता पाई है। जानकारों का मानना है कि इस अभियान की सफलता के लिए लोगों की भागीदारी ज़रूरी है और इस काम में लंबा वक्त लगता है। थेम्स या राइन आप उसमें भी देखिए, उसमें भी करीब करीब 40-50 साल लगे हैं उनको ठीक करने में, और उसके बावजूद मतलब उन्होंने बहुत सारा उसमें पैसा इन्वेस्ट किया है। हमारे लिए सिचुएशन और है, पर हमारे यहाँ एडवांटेज है कि हम जल्दी से लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। लोग यदि अपनी आदतें ये कर दे और उसको कहे, तो आई थिंक ये मूवमेंट जो चालू हुआ है, ये मेरे को लगता है कि अगले 5-10 साल में बहुत मल्टीप्लाई होगा। लोग वक्त समझने लगे हैं कि अपने घर के सामने का तालाब, अपने घर के सामने का नाला, अपने घर के सामने की नदी, और कहीं अपने रे शहरों में, गांव में ये इफर्ट शुरू हो रहा है, आपने सुना होगा। दरअसल सरकार ने गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए नमामि गंगे नाम से एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन की शुरुआत की थी। नदी की सफाई के लिए बजट को 4 गुना करते हुए 2019 से 2020 तक की नदी की सफाई पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। 1986 से गंगा नदी की सफाई के लिए अभियान शुरू किया गया और 2014 तक इस पर 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। हालांकि एनडीए 1 की सरकार आने के बाद से अब तक 28,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं गंगा नदी की सफाई के लिए मंजूर की गईं।
हालांकि इसकी डेडलाइन 2019 थी, लेकिन गंगा की सफाई का अभियान अभी जारी है। और अब संसद के सामने भी राष्ट्रीय नदी गंगा विधेयक 2019 है, जिसे सरकार की पारित कराने की कोशिश है, जिसमें गंगा नदी में प्रदूषण फैलाने पर दंडात्मक प्रावधान भी है। दिल्ली में संसद भवन से कैमरन सरोज के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर। नमस्कार।